जमीन के साथ करोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स अबाउट एवरीथिंग विशाखा सिंह। मैं हूं विशाखा और मैं आज आ गई हूं आप सबके साथ करवा चौथ व्लॉग लेकर। तो ये करवा चौथ के दो दिन पहले की वीडियो है, यानी 11 तारीख की, और मैंने अपने राइट हैंड में मेहंदी 11 तारीख की रात में ही लगा दिया लिया था, क्योंकि राइट हैंड में मुझे लेफ्ट हैंड से मेहंदी लगानी थी, इस वजह से मैंने उसको दो दिन पहले लगा लिया। और बहुत लेफ्ट हैंड से बहुत स्लो मेहंदी लगती है, इस चलते मैंने दो दिन पहले मेहंदी लगा ली। देखिए, ये रात का टाइम है, डिनर उनर के बाद मैंने मेहंदी अपने लगाई थी। देखिए मेहंदी कैसी लगी है मेरे, ये मैंने लेफ्ट हैंड से मेहंदी लगाई है। और दूसरे हाथ में मेहंदी मैंने करवा चौथ के एक दिन पहले लगाई थी, यानी 12 तारीख को। और मैंने इसलिए एक एक हाथ करके मेहंदी लगाई क्योंकि मेहंदी लगाने में टाइम भी लगता है और उसके बाद रात भी खराब होती है, 11 बजे 12 बजे तक मेहंदी रात में लगानी पड़ती है। इस चलते मैंने एक एक दिन करके मेहंदी लगाई। और ये मेरी गुड़िया सो रही है, वो सो चुकी थी क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी ना मेहंदी लगाते लगाते, तो इस वजह से वो सो चुकी थी। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे। हेलो, तो आज है 12 अक्टूबर और कल करवा चौथ है, तो मैं जा रही हूँ अपने यहाँ की पास की मार्केट में, कुछ शॉपिंग करनी है करवा चौथ के लिए, तो शॉपिंग करने जा रही हूँ। और ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर जो कल मैंने रात में लगाया हुआ था, मेरी मेहंदी कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। मैं मार्केट आने के बाद सबसे पहले आई अपनी थ्रेडिंग कराने, और आज पार्लर में इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़, मतलब आप किसी भी पार्लर में चले जाओ वहाँ पे आपको भीड़ ही भीड़ दिखती, मतलब सारी औरतें, मतलब पार्लर और मार्केट में आपको आज सिर्फ औरतें ही दिखती। तो इस पार्लर में भी बहुत काफ़ी भीड़ थी, मेरा वेटिंग में नंबर था तो मैं थोड़ी देर बैठी थी, उसके बाद मेरा नंबर आया तो फिर मैंने अपनी थ्रेडिंग वेट करवाया। उसके बाद मैं निकल आई बाहर थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, सामान ले। हाँ देखो, उसके बाद आप लोग आज देख सकते हैं, मतलब करवा चौथ के एक दिन पहले बाजार की जो रौनक होती है वो देखते ही बनती है। वो बहुत सुंदर लगता है देखने में कि मतलब त्योहारों पे इतनी ज़्यादा धूमधाम रहती है और सारे त्योहारों को हम लोग इतने दिल से सेलिब्रेट करते हैं ना कि देख के वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ पूजा का सामान लेने, जो मेरे पास नहीं था, काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे पास थी पहले से ही, करवा मेरी मम्मी ने मुझे भेजा था तो इस वजह से मैंने करवा नहीं लिया। और उसके बाद पूजा का सामान लेने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ जनरल स्टोर पे, यहाँ से सुहाग की चीज़ें जो लेनी होती हैं सारी, मतलब बिंदी सिंदूर आलता सीसा के, ये सारी चीज़ें जो लेनी थी मैं जनरल स्टोर पे आ चुकी हूँ, यहाँ पर भी देखिए। तो मैं मार्केट से वापस आ चुकी हूँ, मेरी सारी शॉपिंग हो चुकी है, उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें तो नहीं ली, पर यह है कि चढ़ाने के लिए मम्मी जी के लिए साड़ी और जो सुहाग की चीज़ें होती है वो सब थोड़ी कुछ चीज़ें ली। बहुत रात हो गई थी, फिर उसके बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आज तो इतना ट्रैफिक था, मतलब करवा चौथ की रौनक जो है ना वो पूरी बाज़ारों में दिख रही थी अच्छी खासी। तो फिर मैं आ गई हूँ घर पर, फिर मैंने डिनर भी कर लिया है, अब मैं चल रही हूँ अपने दूसरे हाथ में मेहंदी लगाने। दूसरे वाले हाथ में मैंने मेहंदी कल लगा ली थी, आज मैं इस वाले हाथ में चल रही हूँ मेहंदी लगाने। तेरे हाथ में?
उसके बाद फिर हम लोग कल मिलेंगे। अभी देखो माई शानवी, माई शानवी क्या कर रही है, दूध पी रही है। हमारी शानवी पी रही है दूध, बताओ तुम खांसी हो रही है। हाँ शानवी को सर्दी खांसी भी हो गई है, बहुत ज्यादा परेशान हो गया मेरा बेटा, गला भी खराब हो गया, गले और ये बात भी है। वो जो चलती हुई है इसलिए गर्म गर्म दूध है। हाँ इसलिए मैंने इसको गर्म गर्म दूध दिया है जिससे कि शानवी की सर्दी खांसी ठीक हो जाए। तो चलिए फिर मैं मेहंदी लगा लूँ, उसके बाद मिलते हैं कल। सो मेरे दूसरे हाथ की भी मेहंदी लग चुकी है, और मेहंदी लगाते लगाते सच में बिलीव मानिए मुझे बच गए थे रात के 11:30 लिटरली। मतलब इतना मैं थक चुकी थी करवा चौथ के एक दिन पहले से, इतनी तेज़ मुझे नींद आ रही थी। एक तो मेहंदी मैं लगाती हूँ बट मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं लगा पाती हूँ, मतलब थोड़ी स्लो मेहंदी लगाती हूँ तो इस वजह से मुझे काफ़ी टाइम लगता है, और उसके बाद भरी भरी मेहंदी भी लगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी करवा चौथ। तो आज करवा चौथ के लिए सारी औरतें एक्साइटेड होती हैं, मैं भी आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, जो कल रात मैंने मेहंदी लगाई थी उसका कलर देखिए, उसका कलर आ चुका है और बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। अभी तो ये और भी ज़्यादा डार्क होगा। तो जो है मेरा मॉर्निंग रूटीन लगभग फिनिश हो चुका है, मैंने नहा के पूजा वगैरह भी कर लिया है, और अभी बज रहे हैं 11:00 और अभी तो कुछ खास पता नहीं चल रहा है, मतलब भूख प्यास कुछ भी अभी नहीं लगा है। तो चल रही हूँ मैं, थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी, यानी चूड़ी वगैरह पायल और बिछा वगैरह सब पहनूँगी, उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा रेडी होके फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो ठीक है मैं चलती हूँ रेडी होने। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हो, मतलब जानते नहीं है पर मैं बता दूँ कि मैं वैसे नॉर्मली बहुत ज़्यादा रेडी होने वाली इंसान नहीं हूँ, मतलब अपनी डेली लाइफ में हमेशा इतना तामा झामा नहीं करती हूँ, पर यह है कि त्यौहार और व्रत ये सारे ऐसे ओकेजन होते हैं ना जब हमारा दिल होता है सब कुछ एकदम खुशी खुशी करने का, तो मैं जो पायल जो बिछिया पहनी रहती हूँ ना, तो वो ये चूड़ी पहन लिया, और अभी मैं पैरों में अपनी पायल पहन ली, बिछुआ पहन लिया, नेल पेंट भी लगा लिया है। अब मैं चल रही हूँ लगाने आलता लगाने जा रही हूँ अब। सो मैंने आलता भी लगा लिया, और गाइस लिटरली एक बात बताऊँ ना, आलता लगाने के बाद पैर इतने खूबसूरत दिखते हैं ना, इतने खूबसूरत दिखते हैं कि अपना पैर अपने आप को भी अच्छा लगता है। मतलब बहुत कम टाइम मिल पाता है हम लोग को कि कभी कलर आलता लगाए हाथ पैरों में, पर यह है कि जब त्यौहार आते हैं ना तो मैं पक्का ये काम जरूर करती हूँ, और मतलब आलता लगता है जब लगा रहता है उसके 2-4 दिन तक वो पैर बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो और दिन का टाइम का वीडियो मैं क्लिप नहीं शूट कर पाई थी, और मेकअप की भी क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि या तो तैयार हो या तो क्लिप शूट करो, अभी इतनी प्रोफेशनल तो हूँ नहीं मैं। सो मुझे टाइम लगा था तैयार होने में और मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ मैं इस तरह से तैयार हुई थी, और मतलब बहुत ही सुंदर सा लुक क्रिएट किया था मैंने, बहुत ही सुंदर लगा था। अगर आप लोग की रिक्वेस्ट होगी तो फिर आगे बनाऊंगी वीडियो इस पर।
रात में पूजा के टाइम का वीडियो है, मतलब थोड़ी लाइट कम थी ना, इस वजह से वीडियो थोड़ा काला दिख रहा है, पर यह है कि हाँ काम चलाने भर का वीडियो है। तो छत पे क्योंकि हम पूजा मतलब एकदम बीच छत पे पूजा करती हूँ मैं, तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, इसके चलते यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लाइटिंग नहीं आई है। और इस समय ये तो शाम के बज रहे होंगे करीब 7, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग बैठ चुके पूजा करने के लिए, मैं कथा पढ़ रही हूँ और वो सुन रहे हैं। बनाए जाते हैं तथा दुहा की वस्तुएं जैसे पूरी बिंदी दिखवा मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय करी और बेचने वाली कुम्हारी महावर और उसकी इकलौती बहन सुए चंद्रमा गौरा पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ तो इसी तरह पूजा की जाती है। अच्छा आप लोग क्या करवा चौथ की पूजा किस तरह से की जाती है कमेंट जरूर करिएगा। सबके यहाँ सबका अपना अपना मेथड होता है पूजा करने का, तो हम इसी तरह से करते हैं। प्रदोष काल में हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम चांद निकलने का इंतजार करते हैं। चांद निकलने के बाद फिर हम उसको चांद को अर्घ दे के तब अपना व्रत खोलते हैं। तो हम यहाँ पे कथा कर चुके थे, अब यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे हैं और बच्चे वीडियो बना रहे थे, तो देखे कैसे मतलब हिला हिला के वीडियो बनाई है उन्होंने, जैसे मन किया वैसे उन्होंने किया है। तो हम लोग यहाँ पे इस टाइम पे कर रहे थे आरती। हेलो, सो मेरी पूजा हो चुकी है और मैं अब कर रही हूँ चांद निकलने का इंतजार। आप सब भी कर रहे होंगे ना, बहुत आज के दिन चांद का इतना बेसब्री से इंतजार होता है ना, उतना दिन चांद का कभी कोई इंतजार नहीं करता है। सो हम भी चांद का बैठ के इंतजार कर रहे, पर ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे भूख भी नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं लगा है। बस ये है कि अब मतलब एग्जॉस्टिंग हो गया है, मतलब बॉडी एग्जॉस्ट कर गई है कि अब सब कुछ निकाल के बस सो जाना है, ऐसा कुछ है। सो चांद निकलने का वेट कर रही हूँ मैं भी बैठ के, क्या करूँ, कुछ वीडियो वगैरह रील्स वगैरह बना रही हूँ। और आप सब बताइएगा आप सब ने क्या क्या किया अपने अपने करवा चौथ पे, क्या स्पेशल किया सबने। मैंने तो जो भी है सब, आज का दिन स्पेशल ही होता है, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है, जो करते हैं सब बहुत दिल से करते हैं आज के दिन पे ना, तो सब स्पेशल होता है। सो मैं भी बैठ के बस चांद निकलने का वेट कर रही हूँ, चांद निकल आता है फिर उसके बाद आप सबसे मिलते हैं हम थोड़ी देर में। तो यहाँ पे चांद निकल आया है और मैं और मेरे पति यहाँ पे आ गए हैं चांद की पूजा करने और चांद देखने। तो सबसे पहले मैं चांद की पूजा करूँगी, उनको जल दूंगी, उनका टीका करूँगी, वो उसके बाद छलनी से चांद को देखने के बाद फिर मैं अपने पति को छलनी से देख के फिर उनका टीका करूँगी, उनको रक्षा धागा मौली बांधते हैं, उसके बाद फिर हमारे पति हमारा व्रत खुलवाते हैं। तो यहाँ पे इसी पूजा के साथ साथ करवा चौथ का व्लॉग लगभग यहाँ पे एंड हो चुका है। और आप सभी सब भी बताइएगा कि आप सब ने किस तरह से पूजा किया और किस तरह से सब चीज़ें की। तो इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से करवा चौथ की बहुत 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 शुभकामनाएं। माँ करवा आप सबके पति को लंबी आयु दे, आपके पति दीर्घायु हों। और इसी शुभकामना के साथ हम आज का ये व्लॉग इस यहीं पे लगभग एंड करते हैं और उसके बाद आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत ही सुंदर से व्लॉग में उसके बाद। और हाँ, अपने मेरे वीडियोस पे अपना प्यार बनाए रखिएगा और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल का नाम तो याद ही होगा आपको, इट्स अबाउट एवरीथिंग विशाखा सिंह। और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना आपका सपोर्ट मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। इस तरह से फिर आपके लिए वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।